गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 5 ऑफ साइंस। द चैप्टर नेम इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए अब हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास को एंड किया था। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स अलग करना। कैसे करते हैं? सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इसेंशियली मीन्स द रिमूवल ऑफ वन सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। वी हैव टू यूज सच अ प्रॉपर्टी दैट वन कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैज एंड द अदर्स डू नॉट। यू कैन ईजली सेपरेट अ पैकेट ऑफ असॉर्टेड कैंडीज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स इन टू इंडिविजुअल फ्लेवर्स बाय हैंड पिकिंग दैम। हाउ एवर सेपरेशन बाय हैंड पिकिंग बिकम्स डिफिकल्ट वेन द कॉम्पोनेंट्स आर टाइनी एंड इन लार्ज क्वान्टिटीज। Sometimes they may not even be visible to naked eyes. Separation of mixture essentially means the removal of one substance from the a mixture of two or more substance. Separation क्या होता है? एक ऐसा mixture जिनमें से एक mixture को अलग करना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो mixture होता है उनमें से चीज़ों अलग अलग mixture को अलग अलग करना, वो होता है हमारा separation. सेपरेशन में और क्या है? वी हैव टू यूज सच अ प्रॉपर्टी दैट वन कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैज एंड द अदर डू नॉट। और एक सिमिलर क्वालिटी जो कि एक ऐसा कॉम्पोनेंट जिसमें अदर क्वालिटीज़ हैं, दूसरा कॉम्पोनेंट जिसमें अदर क्वालिटीज़ हैं, उन दोनों को सेपरेट किया जाता है। यू कैन ईजली सेपरेट अ पैकेट ऑफ असॉर्टेड कैंडीज। असॉर्टेड कैंडीज मीन्स एक ऐसे पैकेट ऑफ कैंडीज जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की कैंडीज हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं उनके फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअली उसको अलग कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग देम। हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से उठा करके उनको अलग कर सकते हैं। हाउ एवर सेपरेशन बाय हैंड पिकिंग बिकम्स डिफिकल्ट। कुछ चीज़ों में हम हैंड पिकिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टाइनी होती हैं, साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, तो उनको हम हाथ से नहीं उठा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। तो सेपरेशन क्या होता है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा मिक्सचर जिनमें से एक अदर कॉम्पोनेंट को अलग करना, अदर कॉम्पोनेंट जिनमें अलग क्वालिटीज़ होती है उनको दूसरे मिक्सचर में से अलग करना। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स। अब कैसे सेपरेशन इसमें करना है? सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, मास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड। सम कॉमन मेथड्स यूज फॉर दिस पर्पज आर हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज मैथड्स। क्या होता है? कुछ ऐसे मैथड्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको आसानी से हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और सॉल्युबिलिटी, कैसे वो सॉल्युबल हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी उनको अलग कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें कि अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। पहला है आपका हैंड पिकिंग, जैसे कि हाथ से उठा करके चीज़ों को अलग करना। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग होता है जैसे कि भूसी निकालना, जैसे कि आप चावल में, राइस में या और ग्रेन्स में देखते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं भूसी टाइप का, तो वो होता है थ्रेशिंग। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। विनोइंग, विनोइंग मीन्स सूप के थ्रू, सूप होता है उसमें से सूप के थ्रू हमको अदर पार्टिकल्स को, अनवांटेड पार्टिकल्स को अलग करना। सीविंग होता है आपका छलनी के थ्रू उसको छालना। और मैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि जो मैग्नेट के थ्रू उसको अलग करना। अब हम इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे क्या होता है।
देखिए हैंड पिकिंग, ये देखिए यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हैंड पिकिंग, कैसे हाथ से उठा करके, जैसे अगर आप चावल बिनते हैं या किसी कोई और ग्रेन्स को बिनते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि हाथ से उठा करके अलग करते हैं। तो हैंड पिकिंग इन्वॉल्व्स पिकिंग आउट सब्सटेंसेस बाय हैंड एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम अदर्स। इट इज़ यूज व्हेन, हैंड पिकिंग में क्या होता है, सब्सटेंसेस पिक आउट सब्सटेंसेस बाय हैंड, हाथ से उठा करके चीज़ों को अलग करते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस को अलग करते हैं और उन्हें दूसरे से सेपरेट करते हैं। कैसे, फर्स्ट है आपका द कॉम्पोनेंट टू बी सेपरेटेड आर लार्ज एंड ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, ऐसे कॉम्पोनेंट जो कि लार्ज साइज में होते हैं और आसानी से उन्हें अलग किया जा सके। सेकेंड है आपका अनवांटेड मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, अनवांटेड मटेरियल्स जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं उनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका द शेप साइज कलर साइज एंड कलर ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द यूजफुल मटेरियल्स। शेप साइज और कलर के अकॉर्डिंग अनवांटेड मटेरियल्स को हम सेपरेट करते हैं यूजफुल मटेरियल्स में से। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल क्या दिया है, स्मॉल स्टोन्स ब्रोकन ग्रेन्स हस्क आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस व्हीट पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। हस्क मीन्स भूसी होता है और बाकी स्टोन्स ब्रोकन ग्रेन्स आप सब जानते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि राइस या वीट या पल्सेस को अगर हम सेपरेट करते हैं उनमें से अनवांटेड मटेरियल्स को तो वो हैंड पिकिंग के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग, थ्रेशिंग मीन्स कैसे, देखिए हियर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग कैसे किया जा रहा है। दे आर टू प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, क्या है इसमें देखते हैं। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्ट स्टॉक्स, हार्वेस्टेड स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स होता है आपका डंठल जो जिनमें पेड़ निकलते जो बीज का तना होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द वीट एंड राइस क्रॉप्स ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक, दिस इज डन बाय थ्रेशिंग, इट कैन बी डन बाय थ्रेशिंग। में क्या होता है, मेन डंठल में से जितने भी भूसी या अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है अब हम ये इसमें नीचे देखेंगे। ये किस लिए यूज होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द वीट एंड राइस क्रॉप के साथ, ग्रेन्स की क्रॉप्स के साथ यूज होता है। कैसे होता है, फर्स्ट है आपका मैन्युअली बीटिंग द ड्राई स्टॉक ऑन द ग्राउंड और अ हार्ड सरफेस टू शेक ऑफ द ड्राइड ग्रेन्स। क्या होता है, मैन्युअली बीटिंग, मैनुअली बीटिंग द ड्राई स्टॉक ऑन द ग्राउंड। हियर यू कैन सी हाउ दे आर डूइंग बीटिंग ड्राई स्टॉक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर बीट कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। एंड अ हार्ड सरफेस टू शेक ऑफ द ड्राइड ग्रेन्स और ड्राइड ग्रेन्स को, गुड मॉर्निंग बेटा कंटिन्यू द क्लास, और हार्ड सरफेस के थ्रू उसको पीटते हैं जिसमें से उससे अनवॉन्टेड हस्क निकल जाता है और वांटेड ग्रेन्स वो अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रैम्पलिंग देम, ट्रैम्पलिंग मीन्स होता है कुचलना, पैर से कुचलना। ट्रैम्पलिंग देम अंडर द फीट ऑफ एनिमल्स लाइक बुलॉक्स और यूजिंग थ्रेशिंग मशीन्स। हियर यू कैन सी द पिक्चर हाउ दे आर ट्रैम्पलिंग, ट्रैम्पलिंग देम अंडर द फीट ऑफ एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, बुलॉक्स के मीन्स एनिमल्स के पैरों के नीचे उनको स्टॉक्स को डाल दिया जाता है और उनमें से अनवांटेड मटेरियल्स हस्क वगैरह निकल जाते हैं जब वो उसमें पैदल चलते हैं तो। और फिर या तो दूसरा एक और उसका वे है, क्या है, यूजिंग थ्रेशिंग मशीन, मशीन के थ्रू भी हम अनवांटेड मटेरियल्स उसमें से निकाल देते हैं। नेक्स्ट है आपका विनोइंग, विनोइंग क्या होता है, सूप के थ्रू निकालना। हियर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, विनोइंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, हस्क मीन्स मैंने बताया आपको भूसी होता है, इज यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ग्रेन्स में से हस्क को अलग करना करने के लिए ये यूज होता है। फार्मर्स ड्रॉप द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क फ्रॉम अ हाइट, द हस्क इज कैरीड बाय द विंड एंड द फॉर्म्स अ हीप एट अ स्मॉल डिस्टेंस अवे। The wheat grains being heavier fall almost vertically to
टू फॉर्म अ सेपरेट हीप. क्या होता है, जैसे जैसे विनो में से, यानी कि सूप में से ग्रेन्स और सारी चीज़ें डाल करके एक साथ उसको जब वो डालते हैं तो विंड के थ्रू क्या होता है, हस्क सारा उड़ करके अलग निकल जाता है और ग्रेन्स जो कि हैवियर होता है इसलिए वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है. हीप मीन्स ढेर, एक जगह पर सेपरेट होके ढेर लग जाता है उसका. इन दिस मेथड विंड इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल्स. इस प्रोसेस में क्या होता है, विंड का यूज़ किया जाता है. लाइटर पार्टिकल्स जो आपके हस्क होते हैं वो उड़ जाते हैं और हैवियर पार्टिकल जो कि आपके ग्रेन होते हैं वो आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस इज डन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. यहाँ उसके लिए एक एक्टिविटी दी है. यू नीड सम ड्राई सैंड, पाउडर ड्राई लीव एंड अ प्लेट. मिक्स ड्राई सैंड विद पाउडर्ड लीव ड्राई लीव ऑन द प्लेट. This take this mixture to an open ground and stand on raised platform. Now hold the plate containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. क्या दिया है, आप you need some dry sand. आपको dry sand लेनी है, बालू लेनी है और उनमें कुछ ड्राई लीव्स मिला देना है, पाउडर ऑफ ड्राई लीव्स मिलाना है और उन सबको एक प्लेट पे रखना है और मिक्स द ड्राई और इन सबको आपस में मिला देना है. टेक्स दिस मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में ले जा करके एक रेस प्लेटफॉर्म पर ऊंचाई पर खड़े होकर के उसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, अपनी शोल्डर की हाइट पर ले जा करके उसको टिल्ट करना है. तो आप ये देखेंगे कि विंड के थ्रू जितने भी लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ करके चले जाएंगे और हमारा ग्रेन्स वो एक जगह पर सेपरेटली हीप हो जाएगा, ढेर लग जाएगा उसका. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन अबव एक्टिविटी. द पाउडर ड्राई लीव्स आर लाइट सो दे ब्लो अवे विद द विंड. द सैंड पार्टिकल्स आर हैवी सो दे फॉल डाउन वर्टिकली फॉर्मिंग अ हीप ऑफ सैंड नियर योर फीट. What do you observe in above activity? इस activity में आपने क्या observe किया कि powder dry leaf light होती है इसलिए वो wind के through blow कर जाती है, उड़ जाती है और the sand particles are heavier. Sand particles हमारे heavy होते हैं और इसलिए वो direct ground पर गिर जाते हैं आपके पैर के पास. Last है आपका sieving. Sieving क्या होता है? Sieving is used for separating components of a mixture on the basis of their particle size. ये particle के size के according उनको अलग करते हैं, separate करते हैं components को. A sieve is usually made. Here you can see the picture of sieving. A sieve is usually made of a woven screen such as mesh or net. A sieve is usually made of woven screen. ये sieve किस चीज़ से बनी होती है? Woven से बनी होती है. Woven means बुनी हुई होती है. As a mesh or net. Net और mesh दोनों एक ही हुआ. Net की जैसा ये पूरा जाल के जैसा बुनी हुई होती है. The size of the pores in the sieve depends on the size of the particle of the constituent to be separated. Constituent means होता है ingredient. जो भी पार्टिकल्स, जो भी इंग्रेडिएंट हम अलग करना चाह रहे हैं उसका जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हम सीव का साइज़ बनाते हैं. पोर्स इन अ सीव अलाउ द स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर टू पास थ्रू एंड रिटेन द लार्जर वंस. पोर्स इन अ सीव अलाउ द स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर टू पास थ्रू. और जितनी छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं वो पास हो जाते हैं, उससे नीचे निकल जाते हैं और लार्जर वंस ऊपर बच जाते हैं. अ सीव इज कॉमनली यूज्ड एट होम टू सेपरेट ब्रान फ्रॉम वीट फ्लोर. सीविंग इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेवल फ्रॉम सैंड. अ सीव विद बिगर पोर्स इज यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम सैंड. ब्रान मीन्स होता है चोकर जो आटे में से निकलता है. ग्रेविल होता है कंकड़ जो कि सैंड में से, बालू में से निकलता है और स्टोन्स आप जानते ही हैं.
तो क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है, सीव का यूज़ किया जाता है वीट फ्लोर में से ब्रान को अलग करने के लिए, और सैंड में से ग्रेवल को अलग करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सैंड में से स्टोन्स को अलग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए बिगर पोर्स वाले सीव यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मैं कल इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।